चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी जो हमने की है दिल्ली से जयपुर तक की बाई रोड, बाई कार हम लोग जाने वाले हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और देखो हमें कितना टाइम लगता है जयपुर पहुँचने में और कितना ट्रैफिक हमें मिलता है। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी और आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब भी अगर आप लोग दिल्ली से जयपुर बाई रोड जाते हैं हाईवे से, तो ये वाला वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पूरी हाईवे की डिटेल मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में, कहाँ हमने खाना खाया और क्या था, जो कुछ भी हम करेंगे सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग दिल्ली से निकल गए हैं और हमने मेन रोड पकड़ लिया है और अभी तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है और देखते हैं आगे कितना ट्रैफिक हमें मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में आप सब लोग। तो हम लोग बाई कार जा रहे हैं और जब भी हम लोग बाई कार निकलते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमें कितना ट्रैफिक मिलेगा और हमारी जर्नी कैसी रहेगी। तो जर्नी हमारी इजी होनी चाहिए और हमें उस जिस रूट पे हम जा रहे हैं उसकी हमें थोड़ी सी डिटेल्स पता होनी चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो रास्ता कैसा है। जैसे हम इस हाईवे से जा रहे हैं NH8, तो मेरा यूज़ टू है, मैं इस वाले हाईवे को यूज़ करती रहती हूँ। मतलब काफ़ी टाइम से मैं दिल्ली गुड़गांव में रह रही हूँ, जयपुर मेरा आना जाना रहता है, तो हाईवे के बारे में मुझे काफ़ी पता है कि इस हाईवे में ट्रैफिक कैसा मिलेगा, कहाँ कहाँ स्टॉपेज होते हैं। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी, तो ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा आई होप। और तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस आप देख रहे हैं कि होपफुली हमें दिल्ली में इतना ट्रैफिक नहीं मिला है। जनरली ट्रैफिक होता है क्योंकि अभी 10 बजे का टाइम है, तो 9 से 10-11 बजे का पीक टाइम होता है, तो इस टाइम हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांसेस होते हैं, स्टक होने के चांसेस होते हैं रोड पे। बट बाई चांस हमें नहीं मिला है और थोड़ा बहुत मिलना तो इट्स ओके क्योंकि दिल्ली है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलेगा आपको। बट बहुत ज़्यादा हम स्टक नहीं हुए हैं कहीं, हमें क्लीन मिल गया है। तो अभी हम गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रोड्स पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कार नहीं है, मतलब हमें रास्ता क्लीन मिल रहा है। तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगने वाला है गुड़गांव से बाहर निकलने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ और दिल्ली से गुड़गांव के बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक वैसे मिल जाता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, पीक टाइम होता है। तो अभी 10-11 बज रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमें मिल सकता है। तो हम लोग जो टैक्सी जिस टैक्सी में हम जा रहे हैं वो हमने ओला से बुक करी है और ये हमें बहुत ही सही प्राइस में मिल गई थी। तो अगर आप लोगों का भी घर की कार से नहीं जाना हो, मतलब ड्राइव करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, तो आप भी ओला टैक्सी कर सकते हो और आराम से बैठ के अपना फैमिली ट्रिप इंजॉय कर सकते हो। आपको किसी को ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी आपको मिल जाएगा और बहुत ही सही प्राइस में आपको ओला की टैक्सी मिल जाएगी, क्योंकि हमने भी ओला की टैक्सी करी थी और बहुत ही स्मूथ और ईजी हमारी जर्नी रही। हम में से किसी को ड्राइव भी नहीं करना पड़ा और ड्राइवर भी हमारा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उसने कार ड्राइव की थी। तो हम अभी गुड़गांव में हैं और गुड़गांव से हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ और हम लोग NH8 हमने पकड़ लिया है और अभी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, रोड्स एकदम खाली है। तो वैसे हम बाई रोड जा रहे हैं तो बस से अगर जाते हैं तो, और कार से जाते हैं तो उसमें हमें कार से थोड़ा कम टाइम लगता है, बस से आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं और कार से 2 घंटे कम लगेंगे क्योंकि आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो रोड्स भी खाली है, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, आप देख सकते हैं।
अभी ये गुड़गांव ही हमारा चल रहा है, गुड़गांव से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, तो ट्रैफिक नहीं मिल रहा है हमें, और ये बहुत ही लक की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जयपुर पहुँचने में, हम टाइम पे ही जयपुर पहुँच जाएंगे। और हमें जाना भी है 4:30 तक, हमारा टारगेट है कि हम 4:30 तक जयपुर पहुँच जाए, ताकि आगे जो भी काम हमें करने हो हम इजीली कर पाएँ। देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं, अभी श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि आगे का कुछ कह नहीं सकती, आगे कितना ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अभी तक का तो सही रहा है। NCR के अंदर तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला है, वहाँ पे हम आसानी से निकल गए हैं, जबकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है बाहर निकलते निकलते, मतलब हाईवे पकड़ते पकड़ते आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता तो आप 45 मिनट में या 50 मिनट में आप हाईवे पकड़ लोगे। गुड़गांव से बाहर निकलते हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप में पहुँच गए, हमें पेट्रोल भरवाना है। और यहाँ पे भी बिल्कुल भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर निकलते हैं।
तो अभी बज गए 1:30 से 2, तो लंच का टाइम हो गया है। तो लंच के लिए एक नई जगह हमने एक्सप्लोर की है जो कि इस हाईवे पे बेस्ट प्लेस है लंच के लिए, मतलब खाने के लिए। तो लेकर चलती हूँ वहाँ पर आपको और दिखाती हूँ कैसी है वो जगह। तो ये है जहाँ पे हम लोग आज लंच करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही सही प्राइस में हमें यहाँ पे खाना मिला। और ये कहूँगी कि इस हाईवे पर सबसे बेस्ट प्लेस है ये, अगर आप लंच और डिनर करते हो इस हाईवे से निकलते हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। मन्नत नाम है इस जगह का और हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर आऊँगी अगर मौका मिला मुझे यहाँ से बाई रोड जाने का, क्योंकि बसेस यहाँ पे नहीं रुकती है। जो वोल्वो बसेस चलती है वो यहाँ नहीं रुकती है, उनका स्टे नहीं होता है। अगर आप बाई कार जा रहे हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, इवन आपको रुकना चाहिए। दिखाती हूँ अंदर का एम्बियंस कैसा है इसका, चलिए अंदर। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्यूज प्लेस पे बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पे बेसिक छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी में बना हुआ है। और मतलब देखते ही आपको अट्रैक्ट करेगा रोड से निकलोगे तो, कि आओ यहाँ पे हमें विजिट करो भाई। तो देखते हैं अंदर से कैसा है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, मतलब सीट हमें मिल गई थी पर बहुत अच्छा क्राउड था यहाँ पे, अच्छा वाला क्राउड था और बहुत स्पेसियस था। और खाना तो यहाँ का लाजवाब था ही, और बहुत ही सुंदर जगह थी ये जो हाईवे पे हमें मिली फर्स्ट टाइम, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। खाने के साथ साथ आपको यहाँ पे सारी मिठाइयाँ मिल जाएगी, सारे स्नैक्स मिल जाएंगे, नमकीन, लड्डू, समोसा, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। सब बहुत टेस्टी था, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई की। और लंच में जो हमने स्पेशल खाया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों ने लंच में क्या लिया था। और बाकी आप देख सकते हैं कि जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। दैविक को बहुत तेज़ भूख लगी है और यहाँ पे लंच का वेट कर रहा है कि लंच कब आएगा। वैसे इसको खाने फ्रेंच फ्राइज ही है, ये लंच पे कुछ और नहीं खाने वाला है, बट वेट ये बहुत ही बेसब्री से कर रहा है। हम लोग मेन्यू देख रहे हैं और इसमें पिज़्ज़ा, पराठा और थाली सब कुछ है, तो हम क्या लेने वाले हैं? आई थिंक थाली हम लोग लेने वाले हैं, थाली हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें सब कुछ आ गया है, सारी सब्जियाँ और राइस, पुलाव, तो हम लोग थाली लेते हैं। और थाली आप देखिए, दो सब्जियां हैं, रायता है, पुलाव है, राइस है। और यहाँ पे परफेक्ट थाली है ये, बहुत ही टेस्टी थी और बिल्कुल 399 की थी प्राइस। आप देख रहे हैं 399, और उसके हिसाब से आप देख रहे हो कितनी सारी वैरायटी है, बहुत डिलीशियस भी है, हाइजीन भी है। तो ये वाली थाली खा के तो मज़ा ही आ गया। अब हम लोग, लंच हमारा हो गया है और हम लोग अब निकलने वाले हैं जयपुर की तरफ। और अब हमें कितना टाइम और लगेगा बताती हूँ मैं आपको, कितने बजे पहुँचेंगे, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, शायद हमें 2 घंटे और लगने वाले हैं। तो ये जगह बहुत अच्छी है मन्नत, आप जब भी इस हाईवे से निकले यहाँ पर खाना एक बार ज़रूर खाइएगा। पार्किंग का स्पेस आप देख रहे हैं बहुत सारा है और बहुत ही प्यारी जगह है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी इस हाईवे से निकले यहाँ पर ज़रूर आइए एक बार। तो हम लोग निकल गए हैं, रोड्स एकदम खाली है और मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो वैसे ये रूट थोड़ा बिजी होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन बाई चांस या बाई लक हमें ट्रैफिक नहीं मिला है। हमें काफ़ी सही मिला है, रोड खाली मिले है, मतलब कि हमारा टाइम ना लगे ज़्यादा। तो 2 से 2.5 घंटे में हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में।
तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर और अभी बज रहे हैं 4। तो अब हम लोग अपना स्टे जो हमारा है यहाँ पे, तो अब स्टे की तरफ जा रहे हैं। तो कहाँ स्टे करने वाले हैं हम, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग वैशाली नगर पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। और वैशाली नगर बहुत पॉश एरिया है और यहाँ पे ही हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स रहते हैं, तो हमें यहीं पे स्टे करना है। तो यहाँ पे जो स्टे हमने लिया है वो आपको दिखाने वाली हूँ मैं। अभी हम लोग रूम में एंट्री कर रहे हैं, तो बाहर से मैं आपको ये होटल नहीं दिखा पाई, बट वीडियो के आगे जब हम जाएंगे तो मैं आपको बाहर से भी पूरा दिखाऊंगी, इसका एम्बियंस भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको रूम्स दिखाने वाली हूँ, जैसे कि मैं रूम में एंटर हो रही हूँ, तो और इसका नाम भी मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पेसियस है और बहुत ही अच्छा होटल है। अगर रूम में हम चलते हैं तो रूम में भी आप देखेंगे कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही बड़े बड़े रूम थे इसके, काफ़ी स्पेसियस रूम थे और मुझे रूम बहुत पसंद आए कि नेक्स्ट टाइम भी मैं जयपुर आऊँगी तो मैं इस होटल में दोबारा स्टे करने वाली हूँ। हमें इतना ये पसंद आया। रूम्स आप देखिए कितने स्पेसियस हो, कितने प्यारे, बिल्कुल 5-स्टार होटल वाली फील आ रही है, जबकि ये 5-स्टार होटल नहीं है। और प्राइस भी इसका बहुत ही कम है, मतलब 5-स्टार होटल वाला प्राइस नहीं है, लेकिन उस प्राइस में आपको इतना बड़ा रूम, एकदम लग्जरी लैविश रूम मिला है। तो ये होटल बहुत ही अच्छा था। तो वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसका बाहर का जो लोकेशन है, इसका एम्बियंस है, इसका एंट्री गेट है, और ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। इसका होटल का नाम भी मैं डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ, ताकि अगर आपको कभी स्टे करना हो तो एक बार यहाँ पे जाइए आप, और आपको बहुत पसंद आएगी ये जगह। और खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा था, हमने रात में डिनर और स्नैक्स मंगाए थे, स्टार्टर्स मंगाए थे कुछ, बहुत ही अच्छी प्राइस में हमें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे स्नैक्स हमें मिले थे। तो रूम आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा रूम है ये। तो चलिए अब थोड़ा सा वैशाली नगर घूम लिया जाए, जैसे कि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो हम लोग निकले हैं बाहर अपनी टैक्सी से और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। Thank you.
तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से आऊँगी और वीडियो के आगे आपको होटल दिखाने वाली हूँ, तो ये होटल है पार्क रेजिडेंस जो कि वैशाली नगर में है और ये हमने ऑनलाइन बुक किया था, तो हमें डाउट था पता नहीं कैसा निकलेगा, बट ये बहुत ही अच्छा था। रूम्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ और ये लोकेशन है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, देख रहे हो पूरा पोश लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है और लोकेशन के हिसाब से होटल भी बहुत अच्छी है। और होटल का रूम मैंने आपको दिखाया, ये बाहर का पार्किंग स्पेस आप देख रहे हैं और मैं अब होटल में एंट्री कर रही हूँ, तो आपको एंट्रेंस भी दिखाने वाली हूँ और यहाँ का नीचे का एम्बियंस भी दिखाने वाली हूँ कि कैसा है। तो चलो अंदर चलते हैं होटल में। तो यहाँ पे इसका मेन गेट है और यहाँ पे सामने इसका रिसेप्शन था और ये पूरा इसका एंट्रेंस है और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है एम्बियंस का, बहुत ही प्यारा है, ये भी काफ़ी स्पेसियस है। और अब लोग रूम में चलते हैं और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लिफ्ट, यहाँ पे स्टेयर्स भी है और लिफ्ट भी है, तो हम यहाँ पे लिफ्ट से रूम में जाने वाले हैं। स्टेयर्स मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से और लिफ्ट ओपन होते ही इस तरह से कुछ सामने दिखेगा आपको और इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया था, यह पूरा एरिया है और यहाँ पे रूम्स हैं और रूम मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। और यही था होटल का डिटेल जो मैंने शेयर किया इस वीडियो में। अब हम लोग वैशाली में आ गए हैं, ये अगले दिन की मॉर्निंग है और पेंडिंग काम जो भी हमारा थोड़ा बहुत बचा है वो हम करने वाले हैं, उसके बाद हम निकलेंगे अपने होम टाउन जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जयपुर से अजमेर के लिए हम लोग निकलने वाले हैं आज। वैशाली नगर का डॉक्टर अग्रवाल करके एक सैलून है जो हमने विजिट किया था, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पैम्परिंग्स कराई थी, कुछ हेयर केयर ट्रीटमेंट किया था और बहुत ही अच्छा था ये वाला वैशाली नगर में। अगर आप वैशाली नगर जाते हो तो ये वाला सैलून एक बार जरूर जाए, बहुत सही प्राइजेज है इसके और हम इसके रेगुलर क्लाइंट हैं, मतलब जाते रहते हैं यहाँ पे, यहाँ की सर्विसेज लेते रहते हैं और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, एकदम एक्सपर्ट, और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। और स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड जो भी आपको कभी कोई सर्विसेज लेनी हो तो ये वाला आप सैलून ट्राई कर सकते हैं। और इस सैलून से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग अपने होम टाउन के लिए निकल रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें कुछ स्नैक्स मिल जाए जो हम खा लें तुरंत, लंच ना करना पड़े हमें, ब्रंच हमारा हो जाए, तो देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। तो अभी हम लोग वैशाली नगर में ही हैं, तो अभी हम लोग अपने ब्रंच का इंतज़ाम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ मिला है जहाँ से हम लोगों ने अपना ब्रंच पैक कराया था। जगह मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फिरंगी जोधपुर करके, और यहाँ से हम लोगों ने मोमोज लिए थे, कॉफ़ी ली थी और मैगी ली थी, बर्गर्स लिए थे और बहुत ही टेस्टी थे, मतलब मज़ा आ गया था। तो फिरंगी जोधपुर आप एक बार ज़रूर विजिट करें, अगर वैशाली नगर आते हैं तो यहाँ का बर्गर खाइए, मोमोज खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। मोमोज तो यहाँ के बड़े ही फेमस है और यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, मैगी भी बहुत अच्छी, मतलब सारे स्नैक्स आपको बहुत अच्छे और बहुत ही तुरंत बना के लोग दे देते हैं। तो ये सब हमारा हो गया है, यहाँ से हम लोग अपना ब्रंच पैक करवा रहे हैं, ब्रंच लेकर के हम लोग निकलेंगे अपने होम टाउन। तो दिखाती हूँ आगे का थोड़ा बहुत रास्ता आप लोगों का, जितना पॉसिबल होगा उतना। तो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, आप बैठकर भी खा सकते हो और अपना पैक भी करा सकते हो जैसा आपको सही लगे। हम लोगों ने पैक कराया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने कार में अपना ब्रंच किया था और आप चाहो तो यहाँ पर बैठ के भी खा सकते हो, स्नैक्स भी मिलते हैं, पानी पूरी भी यहाँ पे मिल रही है
और टिक्की विक्की जितने भी स्नैक्स होते हैं हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड, वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग जयपुर से बाहर निकल गए हैं और जा रहे हैं हम मेरे होम टाउन की तरफ। अब देख रहे हो आप पूरे कैसे खेत खलियान आने शुरू हो गए हैं, खाली खाली। और जैसे कि राजस्थान बड़ा फेमस है सूखा सूखा, तो मुझे तो चारों तरफ सूखा सूखा ही दिख रहा है, अभी हरे भरे खेत कहीं दिख नहीं रहे हैं। और चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने बनाया और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है जो मैंने बनाया। इससे पहले मैंने कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया और मेरा बहुत मन था कि ये वाली डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कोई भी ट्रैवल ब्लॉग अगर मुझे बनाने का मौका मिलेगा फ्यूचर में, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होता है ट्रैवल ब्लॉग बनाना, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना और अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना, बहुत मज़ेदार मुझे लग रहा है। तो ऐसे ही अगर मुझे मौका मिला तो दोबारा फिर से कोई ट्रैवल जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को पूरा पूरा फुल फुल वॉच करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी आपको लगती है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं वहाँ पे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी मिल जाएगा। तो वहाँ पे आइए, मुझे फॉलो करिए, मुझसे बातें करिए और मुझे सजेशन दीजिए अपने। तो जब हम लोग अपने होम टाउन जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत छोटे छोटे गांव पड़े थे, बहुत ही छोटे छोटे जो गांव आते हैं रास्ते में वो थे। और खेत तो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, अभी तो कोई हरे भरे खेत नहीं है। और रोड्स तो यहाँ की अच्छी है ही, मतलब साफ़ सुथरी होती है, और हमारे राजस्थान की रोड है तो टूटी फूटी तो नहीं है, काफ़ी अच्छी रोड, इस मामले में तारीफ़ करनी पड़ेगी भाई। और हम एकदम से जा रहे हैं स्पीड में, और जयपुर से मेरे होम टाउन जाने में हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब भी इधर आती हूँ तो अपनी यादें बड़ी ताज़ा हो जाती है, बड़ा अच्छा अच्छा फील होने लगता है कि अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही जॉय होता है, बड़े टाइम बाद अपने घर जाने को मिलता है, मतलब साल में 1 या 2 चक्कर ही हम काट पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। और आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में हैं और पूरा मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस।
तो हम अपने होम टाउन ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। 2 से 3 मिनट में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी जो होम टाउन के बाहर के जो खेत खलियान है वो चल रहे हैं, कि देखो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ लगी हुई और कुछ भी नहीं है। तो बस थोड़ी देर में अपने होम टाउन पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा, और कोई भी वीडियो आपको चाहिए ट्रैवल से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और गाइज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।